हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में दो रेसिपी बना रही हूँ, मिसल पाव एंड थाली पीट। सो एंड तक देखिए। तो इस जो रेसिपी है सब लिखी हुई आ रही है, तो आप उसको देखते जाइए। इसमें लेनी होती है मटकी, जो ये होता है, बट आई डोंट नो, नदीम गए स्टोर में, उन्होंने बोला एंड काफ़ी बड़ी, मतलब से बहुत छोटी होती है मटकी, जैसे मैंने खाया है, बट ये थोड़ी बड़ी थी, बट फिर भी अब आ गई है, बनाना था तो मैंने इसी को बनाया। तो इसमें जो सारा इंग्रेडिएंट्स है वो देखते चलिए एंड वैसे ही बनाइए। वाटर जो है बस ज़्यादा डालना है, क्योंकि उसी का आई थिंक वो ग्रेवी जो है, मतलब उसमें जो टेस्ट आता है उससे आता है, इसलिए वाटर इसमें ज़्यादा डाला है। एंड ये मटकी जो मेरी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो थोड़ा वाटर आई थिंक मुझे और ज़्यादा डालना चाहिए था, बट मैंने, मेरा कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस। सो इसलिए थोड़ा मेरा जो ज़्यादा, मतलब रस्से वाली मिसल पाव बनती है तो वैसे नहीं बनी है। अब आगे देखिए। बिल्कुल भी टफ नहीं है ये रेसिपी, एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट जो होते हैं, ज़ीरा, आपका अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें कोरिएंडर भी मैंने अलग से डाला, क्योंकि ये कोरिएंडर जिंजर गार्लिक पेस्ट डलता है, बट वो अलग से, मतलब बहुत मेहनत हो जाती, तो मैंने कोरिएंडर ही पहले डाल दिया अलग से। एंड बस अनियन और बाकी टोमेटो डालना है, टोमेटो। एंड इसमें मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है, जस्ट जो डाला है वो है कांदा लहसुन मसाला, जिसकी मैं लिंक, मैंने जिससे मसाला बनाया था वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो वो फॉलो करना है। बस देखिए, और कोई मसाला नहीं डाला है, जस्ट दैट कांदा लहसुन मसाला डाला है। और बस इसको बस अच्छे से पकाइए ताकि वो अच्छे से ऑयल छोड़े, एंड बस मिक्स कर दीजिए। पहले आप जस्ट मटकी डाल के उसको मिक्स करके थोड़ा कुक कर लीजिए, एंड देन जो वाटर जो था उसको पूरा डाल के, एंड देन जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक उसको कुक करना है। मुंबई में मेरे फ्रेंड्स बहुत खाते थे इसको, मतलब ब्रेकफास्ट में के टाइम पे, हम लोग जब ऑफिस जाते थे, मुझे देख के ही खाने का मन नहीं होता था, पता नहीं क्यों, बट फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उस तब है, एंड अब मैंने खुद बनाया, उसको ट्राई किया एंड बहुत अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी था, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को भी दीजिए। मेरे दोनों जो डॉटर्स हैं, दोनों को बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि ऊपर से फरसान भी है, तो उनको देख के कलरफुल बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। ये जो दोनों रेसिपी है, आई एम नॉट श्योर कितनी ऑथेंटिक है नहीं है, ये मैंने जो मिसल पाव थी तो खुद दिमाग से कि कांदा लहसुन मसाला डाल देते और कोई मसाला नहीं डालते हैं, मैंने वो किया था। एंड इसमें मैंने देखा है बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर डालते हैं, बट मैंने, मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनसे ही पूछा, तो जो मतलब महाराष्ट्रियंस हैं उनसे पूछा तो उनने भी बेसिक बताया, तो मैंने भी ये एकदम बेसिक बनाया है। हो सकता है जो ऑथेंटिक रेसिपी हो कुछ डिफरेंट होगी, बट मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने बस वही यूज़ किया है। तो इसमें और आप देख ही सकते हैं मैं क्या क्या डाल रही हूँ। मेथी एडिशनल है, अगर आपको नहीं डालना आप मत डालिए, मेरे पास मेथी थी, मुझे यूज़ करना था, बच्चे वैसे ही नहीं खाएंगे, तो इट्स बेटर कि मैं उसको इसमें डाल के दे दूँ, तो वो मैंने किया। वाटर आप अपने हिसाब से डाल लें, इट्स जस्ट कि हमको सॉफ्ट बनाना है, बस स्टिकी नहीं हो, सॉफ्ट डो बनाना है। मैं मेजर करना भूल गई इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं, तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो ज़्यादा गीला नहीं हो जाए, बस इतना सॉफ्ट होना चाहिए। बस फिर पराठे के जैसे उसको रोल कर लें, जैसे हम पराठा सेकते हैं बस वैसे ही सेकना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दिस वॉज़ द लास्ट डिश जो मेरा महाराष्ट्रियन फूड वीक का, एंड सिक्स्थ डिश
मैंने बनाई थी, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। ये बहुत पहले मैंने किया था एंड मैं वीडियो बहुत लेट में एडिट कर रही हूँ, तो मुझे वो मिल नहीं रहा है, इसलिए अब इसे मैंने 5 डेज महाराष्ट्रियन डिश कर दिया है। एंड ये थी, बहुत ही मज़ा आया। आई होप मैं अब दूसरा क्यूजीन ट्राई करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर से मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को थोड़ा फेमस बनाइए। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर।